अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 26 यहां पर, ठीक है, ये करने वाले हैं और देख लेते हैं क्या लिखा। फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहां पर 20 की पावर 3 या 20 क्यूब बोल सकते इसे, -17 क्यूब इफ 20, यहां पर 20 स्क्वेयर है बच्चों, यहां पर ये मिस प्रिंट था, +70 स्क्वेयर +20 × 17 इज इक्वल 1029। तो हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ ताकि आपको मैं अच्छे से बता सकूँ। तो 26, तो यहाँ पर बच्चों 20 की पावर 3 -17 की पावर 3, हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं यहाँ पर लिख दे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आगे लिखा है इफ 20 स्क्वेयर, ठीक है, +17 स्क्वेयर, और यहां पर फिर लिखा है क्या, +20 × 17 इज इक्वल क्या है, 1029 के, इसके इक्वल है। तो हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बच्चों आपको फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला है a³ -b³, अगर इसके फैक्टराइज करते हैं तो क्या आता है, a - b, a² +b² और +ab, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। अब ये देखो आप, ये नंबर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है और ये तो है इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर a³ -b³, तो हम लिख सकते हैं a - b, तो a - b लिख लिया हमने। और आगे यहाँ पर बच्चों इनटू का साइन, अब ये जो नंबर है ये इस फॉर्मूले पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर बच्चों इसकी वैल्यू क्या है, 1029। तो इसकी जगह सिर्फ सीधा लिख दे 1029, ठीक है। यहाँ पर अब 20 में से आपको 3 माइनस करने हैं और इधर ये लिख देना। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 9 जा 27 कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8 जीरो, यू क्यों 3 3 जा 9, ये आपका आंसर आ गया। समझ में ना आए तो इस वीडियो को एक बार और देखें, या फिर आप इस फॉर्मूले को एक बार इस क्वेश्चन में रख लें, ठीक है ना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पर मैं आपको करके दिखाता हूँ बिल्कुल डिटेल से। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 27। अब यहाँ पर देखो, इसमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 13³ + 17³ इफ 13² + 17² माइनस, यहाँ पर 13 × 17 इज इक्वल टू 237, ठीक है। आइए मैं इसको लिख लेता हूँ। तो हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पहले उसको लिख लेते हैं, फाइंड द वैल्यू, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो 13³ और +17³, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और आगे लिखा है इफ, यहाँ पर लिखा है कि 13² ठीक है, और प्लस यहाँ पर 17² और -13 × 17 इज इक्वल 237, ये दिया हुआ है। अब बच्चों देखो, यहाँ पर a³ + b³ इक्वल, ये होता है a+b, ठीक है, और a² + b² -ab, समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो, मैं आपको डिटेल से बताता हूँ बिल्कुल, 13³ + 17³ लिखा हुआ है, तो a+b यानी 13 + 17, a² यानी 13² +b², इसका मतलब 17² और -ab, यानी ये मल्टीप्लाई में लिख देंगे इस तरीके से, आ गया ना वही नंबर, ये नंबर दिया हुआ है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, 237। तो देखो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस नंबर की। तो यहाँ पर देखो, इनको तो ऐड कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा 30 और यहाँ पर इसकी वैल्यू जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं 237। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, तो जीरो इसमें, तो जीरो यू क्यों लिख लीजिए, 3 7 जा 21 कैरी 2, 3 3 जा 9 और 2 11 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, तो ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से ये मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, तो थोड़ा टाइम इसमें लग गया, अदरवाइज आप माइंड में कर सकते हैं या जल्दी से आपको शॉर्ट तरीके से कर लेना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, यहां पर दिया हुआ है हमें यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहां से आइए करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 मैं लिख लेता हूं एक बार बच्चों, फाइंड द यूनिट डिजिट। ऑफ 5327 की पावर 3,
अब यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना, आपको पूरे को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यूनिट डिजिट लेंगे, यानी 7 की पावर 3, यानी 7 क्यूब। अब बच्चों 7 का क्यूब क्या होता है, आपको ये तो 10 तक तो मालूम होना चाहिए, तो ये होता है 343। हमें यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना था, ये तो यूनिट डिजिट क्या आ गया, 3 आ गया। लिख देते हैं यूनिट डिजिट इक्वल टू 3। ठीक है, याद रखना पूरे को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ क्योंकि यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है तो यूनिट डिजिट को ही लेना है। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 29, और 29 में इवेल्युएट करना है। ये देखिए, ये क्वेश्चन आप देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, आइए मैं इसको लिख लेता हूं यहां पर। ये देखो यहां पर है बच्चों 40,000, 10 इसमें लेस थी, वो मिसप्रिंट हो गया होगा, तो इस तरीके से मैं लिख लेता हूं। अब देखो, ठीक है, 5/512, समझ में आ गया। अब देखो ये भी क्यू रूट में, ये भी क्यू रूट में, तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, एक ही क्यूब रूट के अंदर ले लेते हैं। ए ये मैंने ले लिया, डिवाइड का साइन, और 5/512 लिख सकते हैं इसे। अब देखो आगे एक्सप्लेन करो, इसलिए टाइम लगता है, अदरवाइज आपको किसी बच्चों को आता होगा तो जल्दी से कर सकते हैं, और जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे सीखकर भी आप माइंड में इसका कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बच्चों, देखो यहाँ पर है ये डिवाइड का साइन, तो हम डिवाइड के साइन को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। जब कभी भी फ्रैक्शन के बीच में डिवाइड का साइन आए तो आपको क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देना है, और उससे जो नेक्स्ट नंबर होता है ये वाला, उसका रेसिप्रोकल कर देना है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर ये कट गया, 5 से 5 8 जा, और यहाँ पर ये आ गया 8,000। तो अब आपको 8,000 का क्यूब रूट निकाल लेना है। अब इसको लिख सकते हैं 8,000 है, तो 8 × 1,000 लिख सकते हैं आराम से। अब बच्चों आपको मालूम ही होगा 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 2, और 1,000 का क्या होता है, 10, तो 10 × 2 = 20, ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर आप देख रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट क्यूब्स इन द गिवन फिगर, इसमें नंबर ऑफ क्यूब हमें बताने हैं, यूनिट, ठीक है, कितने यूनिट होगा ये हमें बताना है। तो वो कैसे बताएंगे, वो बताएंगे वॉल्यूम से। ठीक है, वॉल्यूम से बताएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पर मैंने ये लिख लिया है, अगर इसमें इसका वॉल्यूम, इसमें से हमें ये यूनिट यानी 1 इस तरीके से हमें छोटे छोटे काटने पड़े तो कितने कट जाएंगे, ये हमें एक तरीके से ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आइए निकाल लेते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 5 × 3 = 15, 15 × 4 = 60, तो 60 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अगर इसमें यूनिट क्यूब निकाले जाएं तो वो होगा 60, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। आपको कैसे लगा मुझे जरूर बताएं, इसमें से सीखकर दूसरों को जरूर सिखाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको देखते रहें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।